जमाई बाबू, मैना कैसी है? जी, आराम कर रही है। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, उसे बहुत जरूरत है आप दोनों की। आइए। मैना, आई, आई। हाँ बेटा, आई। आई, आई। आई है ना बेटा? आएगा। कई दिनों से बस आई आई ही कहे जा रही है। आई अब आ गई है ना, अब तू अकेली नहीं है। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आई है ना? क्या हुआ है मैना को? जी, दाई माँ का कहना है नाभि रिजू बच्चे की गर्दन में लिपट गई है और उसके कारण स्थिति कुछ ऐसी हो गई है जिसमें बच्चा और माँ दोनों की जान को खतरा है। क्या इच्छा है तेरी? तेरी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। पापा, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे इस बच्चे को जन्म देना है पापा। मुझे मां बनना है। चिंता मत कर मैना, मैं जामनेर के सबसे अच्छे वैद्य से तेरा इलाज कराऊंगा। तुझे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू माँ भी बनेगी और हम दोनों नाना नानी। ये मेरा वादा है तुझसे। तमाई बाबू, मुझे यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलो। जी। आई, आई। आप बाहर चलिए।
इन्हें आराम करने दीजिए। क्या लगता है? माफ कीजिए चंद्रकर जी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है? आप इस जगह के सबसे कामयाब डॉक्टर हैं। आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक इंसान ही तो हूँ। मैं, मेरी डॉक्टरी, मेरी तालीम, इन सबकी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी का इलाज कीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। आप लीजिए पैसे। देखिए चंदोरकर साहब, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। अब तो कोई चमत्कार ही कुछ कर सकता है। मैं चलता हूं। किस काम के हैं ये पैसे? क्या हुआ? इतनी उलझनों में मैं ये कैसे भूल गया? साईं की होती? आओ उदी हम मैना को देते, मेरा ठीक हो जाएगी। हाँ इसमें तो उदी है ही नहीं, खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? साईं, अब सब कुछ आपके ही सुपुर्द है। मैंने ईश्वर को नहीं देखा और आपको जाना है। जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहां आपकी कृपा शुरू होती है। ओम साई, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ससुर जी,
कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? देख के तो नहीं लग रहा है। फिर इनमें से एक ने भी दूध क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है दोष चारे का है। पिछली बार संता पंता लेकर आए थे चारा मुर्ग गधे कहीं के, बिना जांचे पहचाने कोई कचरा उठाकर लेके आए होंगे। मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए इन्हें ताजा चारा देना चाहिए। हर दिन जंगल से घास पत्तियां लानी होंगी। हे भगवान, एक नई मुसीबत। ससुर जी पहले ही क्या काम कम थे, अब ये कौन करेगा? कौन जाएगा जंगल, कौन लाएगा? आपने तो पहले ही सारे नौकरों को घर से निकाल दिया। रमा राघव को भेज दो। नहीं नहीं ससुर जी, रमा और राघव को हमने पहले ही दिन भर के सारे काम दे दिए। अब अगर उन्हें जंगल भेज दिया तो घर का सारा काम हमें करना पड़ेगा, और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। लेकिन इससे भी अच्छा एक उपाय है मेरे पास। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। बाबा, हम अशोक के इतने दिनों की मेहनत बेकार कैसे जाने दे सकते? क्यों जिद कर रही है? बेबस है हम, कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोच लिया है, मैं इसके अध्यापक श्रीकांत जी से बात करूंगी। कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल के ही रहूंगी। सुमति, पर तू बाहर कैसे जाएगी? बिना इजाजत मांगे हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और इजाजत तो वो हमें देंगे नहीं। तेरी आई ठीक कह रही है। जिद छोड़ दे सुमति, वरना तू करने कुछ और जाएगी और हो कुछ और जाएगा। वैसे भी ये हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। हमारे अच्छे दिन आए या ना आए, अशोक ले हम अच्छे दिन जरूर लाएंगे। हाँ आई, मैं बहुत मेहनत करूंगा, और अगर मुझे दिन में काम भी करना पड़ा तो सारी रात पढ़ूंगा, सारी रात। तू पढ़ाई करेगा, बस कोशिश करते रहेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा, मेरा विश्वास है। हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो भगवान हमारे साथ भी बुरा नहीं होने देंगे, वही हमें रास्ता सुझाएंगे। जी छोटी मालकिन, हमारी सारी गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। उनके लिए रोज जंगल से ताजा चारा लाना होगा, वो काम कल से तू करेगी। छोटी मालकिन, जंगल में तो जंगली जानवर होते हैं, इसकी जगह मैं चला जाऊंगा। ताकि तुम जंगल के बहाने मौज कर सको, हाँ? और खेत में काम कौन करेगा? ये तुम्हारा लड़का, ये तो चारा उठा नहीं पाएगा, इसीलिए तुम्हारी लड़की ही जाएगी। इसे आदेश समझो। मैं जाऊंगी छोटी मालकिन, आपका आदेश सर आंखों पर। कल से जंगल से रोज ताजा चारा आया करेगा। इतना खुश क्यों हो रही है सुमति? तुझे पता भी है
जंगल में अकेले जाना कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने अभी अभी क्या कहा था, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता निकल आएगा। तू निकल आया अशोक के अध्यापक जी से मिलने का। सुमति ये खतरनाक हो सकता है। नहीं बाबा, साई कहते कि कुछ भी अकारण नहीं होता। और देखिए ना, सभी गाय जो कि तंदुरुस्त थी उन्होंने अचानक से दूध देना बंद कर दिया, और वो भी उसी दिन जिस दिन मैंने सोचा मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और यही मेरे लिए मौका बन जाता है जिसकी मुझे तलाश थी। आप कह रहे थे कि मुझे इजाजत नहीं मिलेगी, यहाँ तो आदेश ही मिल गया। और रही बात जंगल की, तो जिसके साथ साई हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अच्छे दिन आएंगे, आई जरूर आएंगे। उम्मीद का दामन जो ना छोड़े वही उतरा पार। साईं, ये उदी किसके लिए? अगर कहीं पहुंचानी है तो मैं दे आऊं? नहीं अब्दुल, इस उदी को बहुत लंबी यात्रा करनी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका इंतजाम रामजी कर चुके हैं। साईं, आपको सबकी फिक्र रहती है लेकिन आप खुद की चिंता नहीं करते। इतनी देर हो गई है साईं और आपने अब तक खाना नहीं खाया। अभी नहीं अब्दुल, कुछ परेशान हैं आप? क्या बात है बताइए ना। अब्दुल, जब किसी की तकलीफ महसूस हो तो परेशानी तो होती ही है ना। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। रामकीर जी, तुम सबके लिए रामकीर, लेकिन मेरे लिए बापूकीर। आओ बापूकीर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम साईं राम। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। सच कहूं साईं, सुबह तक मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात थी ही नहीं, लेकिन शाम को जब श्री राम जी की पूजा कर रहा था, जय श्री राम भज रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया, अचानक से लगा मुझे अपने गांव खानदेश जाना चाहिए, वो भी तुरंत। साईं, ऐसा क्यों हुआ होगा? बापूजी, रामजी के समक्ष तुम्हें साक्षात्कार हुआ है, यकीनन उन्हीं का कोई संकेत होगा। मुझे भी यही लगा था साईं, इतने सालों से आपके आशीर्वाद की छाया में इतना तो सीख ही लिया है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसीलिए तो इतनी रात को मैं यहां आ गया, अपने गांव जाने से पहले
आपका आशीर्वाद देने साईं। लेकिन इतनी रात गए, अब जाएंगे कैसे? रेलगाड़ी से जाऊंगा अब्दुल। अभी 2 घंटे में कोपर गांव से चढ़ूंगा और सुबह सूरज उगने तक अपने गांव में जय श्री राम भजूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? क्या काम साईं? तुम्हें जामनेर जाना होगा। वहां तुम्हें नाना साहेब चांदोरकर मिलेंगे। साईं, लेकिन नाना साहेब तो अहमदनगर रहते हैं। जामनेर में उनकी बेटी मैना रहती है अब्दुल। वो बहुत तकलीफ में है। नाना साहेब वहीं है। वहां जाकर तुम्हें नाना साहेब को उदी देनी होगी। क्या हुआ? बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 रुपया 14 आने हैं। इसमें जलगांव तक ही जा पाऊंगा, वहां से जामनेर कैसे? कुछ परेशानी तो नहीं बापूगीर? नहीं साईं। अगर होगी भी तो रामजी इंतजाम कर देंगे। साईं, आपने कह दिया तो मुझे पूरा यकीन है कि इंतजाम हो जाएगा। साईं, मैं तो इस बात से खुश हूं, इतने सालों बाद आज मुझे भी आपकी सेवा का मौका मिला है। राम जी भला करे। ये लीजिए। ओम साई राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साईं, अब जान गए ना कि रामवीर जी क्यों परेशान थे? खाना लगा दो अब्दुल, अचानक बहुत भूख लगी है। चलो। जी साईं। आईने दिया है। आप सो नहीं रहे हैं? लगता है जैसे नींद भी साथ छोड़ चुकी है। कल शनिवार है। साई ने कहा था कल साकोरी गांव जाना है, वहां के हनुमान जी को तेल चढ़ाना है, लेकिन काम छोड़कर कैसे जा पाऊंगा मैं? ये लोग तो सांस तक लेने नहीं देते। आप चिंता क्यों कर रहे हो पापा? जब साई का आदेश है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। कहां से लाती है तू इतनी शक्ति कि ऐसी हालत में भी हम सबकी उम्मीद बन जाती है? काश मुझ में भी तेरे जितनी सद्बुद्धि होती तो आज हम इस मुसीबत में ही नहीं होते। ऐसा मत कहिए बाबा। सच ही तो है, आज जो भी हो रहा है सब मेरी गलतियों का परिणाम है, और मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं इस डूबती कश्ती को बचा सकूं। श्रद्धा, सबूरी,
इनमें वो ताकत होती है जो किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए हिम्मत दे सकती है। के कहे मुताबिक जलगांव तक तो पहुंच गया, लेकिन अब यहां से जामनेर कैसे जाऊंगा? मेरे पास अब पैसे भी नहीं बचे हैं। मुझे रास्ता दिखाइए साई। मैं यही हूं बापूगीर। साई शिरडी से कोई बापूगीर आए हैं क्या? हाँ हाँ, मैं हूँ बापूगीर। लेकिन आप? मुझे नाना साहब चांदोरकर जी ने भेजा है, वो आपकी राह देख रहे हैं, आप जल्दी चलिए। अच्छा हुआ नाना साहब तक संदेशा पहुंच गया और आपको भेज दिया। अब मैं साईं की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर पाऊंगा। आप जल्दी बैठिए, नाना साहब कह रहे थे जितनी जल्दी हो सके आपको जामनेर पहुंचा दूं। हाँ हाँ चलिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.